हमारी मिठाइयाँ जो हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं यहाँ पर। जलेबी है, नमक पारे हैं और चमचम है और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, और ये मशरूब भी हैं जो मेड इन पाकिस्तान है यहाँ पर, वो लाए गए हैं। चिकन फ्राई, वेजिटेबल रोल, तापर चिकन रोल, पूरी, पूरी बोलता है हमारे देश में। It has some spices. I don't recognize. I haven't tasted anything like this in Greek food. Okay. And you taste the first time? Yes, and it is very nice. Εμένα μου αρέσει το ρύζι γιατί είναι πολύ καυτερό και τρώω γενικά καυτερά. Και αυτό μου αρέσει, μου θυμίζει κάτι σαν να έχω ξαναφάει κάτι παρόμοιο. Εμένα το γλυκό μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν είναι πολύ λιγοτικό. Okay. Δεν σε λιγώνει και είναι πάρα πολύ καλό. Μπράβο. It's spicy, but I like spicy food, so I like it. खाने रखे गए हैं जैसे खानों के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए, रक्स के ज़रिए, और मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने मुल्क का जो कल्चर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये हमारा कल्चर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यू टी वी। एक खूबसूरत वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ग्रीस में मौजूद हैं, एथन शहर में जो कि कैपिटल है यूनान का। यहाँ पे एक फेस्टिवल मुनक़द किया गया है एक सियासी पार्टी की तरफ से। तमाम जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, कम्यूनिटीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। वो अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। किसी ने खाने पीने की शिया लगाई हुई हैं, किसी ने कपड़े लगाए हुए हैं, किसी ने तस्वीर आवेज़ा की हुई हैं। तो मेरे साथ जो शख्सियत आप कैमरे में देख रहे हैं, ये जो पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब है यूनान रजिस्टर, उसका ये प्रेजिडेंट है। इनकी बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच के और इसका क्या पर्पज़ है और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरी बदौलत नहीं हो रहा है, ये जितनी भी पाकिस्तानी हैं इसमें पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब के अफराद जो अरकान शामिल हैं और पाकिस्तान लेबर वर्कर्स यूनियन के जो बानी और चेयरमैन हैं तनवीर साकी साहब, वो हैं हमारे साथ, और पाकिस्तानी जो हैं वो हैं। इन सब आप सबकी काविशों से ये पाकिस्तान का जो कल्चर है वो आज यहाँ पर उजागर किया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सैलाब से पूरा मुल्क इस वक्त मुतासर है, उसको भी हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है फोटोग्राफ्स के अंदर। फिर ये जो क्रिकेट है हमारा जो, उसको दिखाया गया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, आई एम बेनज़ीर भुट्टो, और फिर उसके बाद जो आई एम इकबाल मसीह जो हमारा एक हीरो है, जो वो दिखाया गया है फोटोग्राफ्स के ज़रिए। बहुत से मैसेज हैं, और कश्मीर के ऊपर भी हमने यहाँ पर जो कश्मीर के बारे में भी जो जो इंडिया की बर्बरियत इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो रही है, वो भी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि जी ये हो रहा है। और हज़ारा कम्युनिटी की जो किलिंग है वो बताई जा रही है इसमें। अफगानिस्तान पर हमारा पड़ोसी मुल्क है, उस पर हम बिल्कुल किसी किस्म का भी कोई अटैक ना मंजूर करते हैं, वो भी हम बता रहे हैं। अब्दुल सितार ईदी हैं हमारे, अगर आप दिखा सके तो पीछे दिखाएं। और ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में ऑन गोइंग जो मतलब पाकिस्तान गुजर रहा है वो भी दिखा रहे हैं हम। मैं इनके मतलब नाजरीन आपको ये बता दूं कि ये ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी बदौलत सैकड़ों लोगों को जॉब मिली है, और आज भी अगर किसी बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं भी हैं तो वो इनसे राबता करता है तो ये उसको जॉब पे भेजते हैं, और फीस भी लीला। ये बड़ा नेकी का काम है, और ये हीरोज़ हैं हमारे। सर ये बताएं इसका क्या पर्पज़ है लगाने का? ये जी कल्चर दिखा रहे हैं हम अपना, हर मुल्क अपना अपना कल्चर दिखा रहा है, कोई खानों से दिखा रहा है, कोई कपड़ों से दिखा रहा है। इस तरह हम अपने खाने ला के, अपनी बेकरी की अशिया ला के, जो मशहूर है हमारी, जो चल रही हैं, उस लिहाज से हमने भी अपना कल्चर उजागर किया है। यकीनन इन्होंने आज के दिन बड़ी मेहनत की है। हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या क्या लेके आए, क्या क्या मेन्यू यहाँ पे, और लोग किस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम अली भाई, आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आपने मेन्यू की बात की है, तो मेन्यू में जो चीज़ें हैं वो हम लोगों ने कोशिश की है अपने पाकिस्तान का कल्चर जो है उसको प्रमोट करने की। okay. उसको दिखाने की। उसमें हम लोग, हमारी एक फेवरेट स्वीट है जलेबी। वो दो किस्म की हम लोग लेके आए हैं, उसके अलावा गुलाब जामुन है वो लेके आए हैं, उसके अलावा रसगुल्ले हैं वो लेके आए हैं। okay. और हमारे पाकिस्तानियों की एक फेवरेट डिश है बिरयानी।
जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हाथों से घर से वो बना के लेके आया। सब ये बता दें कि लोग ज्यादा किस चीज में दिलचस्पी, क्या चीज लोग जो है वो ज्यादा बिरयानी और जलेबी जो है उसको उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उसको वो ज्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, जलेबी और कुछ लोगों ने गुलाब जामुन और रसगुल्ले का भी वो डिमांड किया, लेकिन ज्यादा जलेबी और बिरयानी जो है उस पे फोकस जो है वो ज्यादा है। आप लोग इन कामों से थोड़ा सा निकले बाहर और अपने जो लैंग्वेज है उस पे थोड़ा सा आप अबूर हासिल करें ताकि आप अपने आप को इस मुआशरे में मनवा सकें। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, हम यकीनन दाद देंगे इन तमाम लोगों को, इनको, इनकी सारी टीम को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को, जहां ये लोग पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखा रहे हैं, वहां उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो जहां पे आके इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। आप लोगों की वजह से इन लोगों की कोशिशें जो है ना वो रंग नहीं लेके आती। कोशिश करें यहां पे आके अपने अमल से साबित करें कि हम एक महजब कौम है। यहां पे आप सब एम्बेसडर हैं, इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।